कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे, मेरी वीडियोस को। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट शेयर करूं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप सबकी सजेशंस भी मिलने लग गई हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। लेकिन ये सजेशन तब मिली है जब मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि आप सब मुझे सजेशंस देना चाहते हैं या कोई भी मैसेज करना चाहते हैं, वो अपनी राय देना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बिल्कुल इसी चैनल के नाम से ग्लीम एंड ग्लैम लाइफ इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर लेंगे। तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर यूट्यूब मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ और फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ। और ऐसा ही हुआ है कि मुझे एक DM आया था और मेरे वो फॉलोअर भी थी इंस्टा की और सब्सक्राइबर भी थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कोई भी वीडियो ऐसी शूट करती हैं, तो कल जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जो मैंने आपके लिए कल मेकअप प्रोडक्ट्स वाली वीडियो बनाई थी, उस पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ऐसा ही कर लें कि आप कभी कोई ऐसी वीडियो बनाएं तो मास्क वेयर कर लिया करें और वीडियो में आ जाया करें। अगर आपको अपना चेहरा हाइड करना होता है या नहीं दिखाना होता, तो जब आपने कभी सामने आना हो तो आप मास्क पहन के वीडियो बनाएं। तो जी, ये मैंने आपके कहने पे सजेशन जो है नोट कर ली और उस पर काम भी कर लिया। अच्छा जी, अब बात आती है कि आज की वीडियो की, जो कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो है हाथ और पाँव की केयर। मैं पर्सनली जब किसी को मिलती हूँ या मेरी किसी से मुलाकात होती है, तो मेरी पहली जो नज़र पड़ती है ना, वो किसी के हाथ और पाँव के नोटिस करना। आप सबकी भी डेफिनेटली कोई किसी की ड्रेसिंग को नोट करता होगा, कोई किसी के फेस को, कुछ भी, लेकिन मुझे हाथ और पाँव की जो केयर करना है वो खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं अगर किसी की पर्सनैलिटी को देखती हूँ, सबसे पहले मैं उसके हाथ और पाँव देखती हूँ। और पाँव देखने की आदत मुझे मेरी अम्मी से है, क्योंकि मेरी अम्मी भी पर्सनैलिटी में सबसे पहले आपके जो है ना, मेरे अम्मी जो है ना, पर्सनैलिटी में उनकी नज़र सबसे पहले पाँव पर पड़ती है। तो कुछ ये सख्ती बचपन से जो है, जब आप इस एज में नहीं थे होते, तो वो ये सख्ती हाथ और पाँव की सफाई की ना अम्मी की तरफ से भी थी, तो फिर बड़े होने तक ऐसी आदत पड़ गई। तो ये टिप्स मैं बड़ी नॉर्मली बहुत अच्छी आपके साथ जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। एक मैं होम रेमेडी शेयर करूँगी ताकि आपको हेल्पफुल हो, और ये दोनों टिप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज तो मैं कुछ प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ जो कि मैंने रीजनेबल प्राइस में है, और एक होम रेमेडी बताऊँगी जिसको यूज़ करके आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये पर्सनली इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है, मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि हाथ और पाँव का खास ख्याल रखने के लिए मैंने हर तरीका और हर प्रोडक्ट को तकरीबन यूज़ किया हुआ है, और तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि सिंपल सी होम रेमेडी, और होम रेमेडी में मैं आपको ये बताऊँगी कि कोकोनट ऑयल रात को सोने से पहले आप अच्छे से, रात को सोने से पहले मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि सारा दिन आप जितना मर्जी ख्याल कर लें, लेकिन रात को सोने वक्त जो रिलैक्सेशन और काम ख़त्म हो जाते हैं, तो ये एक बेस्ट टाइम होता है। तो सोने से पहले अपने हाथ और पाँव को अच्छे से साफ़ कर लें, और अच्छे से पाँव को साफ़ करने के बाद आप कोकोनट ऑयल लें और अपनी फिंगर टिप्स के साथ उसका थोड़ा सा जेंटली मसाज करें। ठीक है, ये फिंगर्स की ये चीज़ों से अच्छे से आप उसका मसाज करें, और अच्छे से मसाज करने के बाद इसी तरह आप पाँव के भी ऊपर और नीचे अच्छे से पाँव को धोने, उसकी एड़ियों को भी अपने अच्छी तरह जो है जेंटली मसाज करें। और अगर तो सर्दी है तो कोई बारीक से, ज़्यादा मोटे सॉक्स मत पहन कर सोएं, ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। लाइट सी विंटर है तो आप सॉक्स पहन लें तो अच्छा है अपने पाँव पर, अगर नहीं तो फिर भी ये वर्क करेगी। ये तो होगी जी बहुत 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 सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी, सिर्फ कोकोनट ऑयल का मसाज करने से ही आपके हाथ खूबसूरत हो जाते हैं, झुर्रियाँ नहीं आती, कोई स्कार्स हैं तो वो भी टाइम के साथ साथ इसको यूज़ करने से ख़त्म हो जाते हैं, और हाथ में एक ग्लो आ जाता है। और सेकंड जो है, मैं सेकेंडली आपको प्रोडक्ट, जो लोग इसमें कोकोनट ऑयल या कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं एक रीज़नेबल जो है प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ, क्योंकि हर बंदे की पहुंच में इतने इतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो मैं पर्सनली ये वीडियो जो है वो ये सोच के बनाती हूँ कि ये सबके काम आ सके, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो, हर बंदा जो है वो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकता, हर बंदा टाइम पे जाके मैनी पैडी नहीं कर सकता,
तो होम रेमिडीज़ और होम मैनी पैडी भी इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्दी जो है होम मैनीक्योर और पैडीक्योर शेयर करूंगी, और लेकिन आज मैं आपके साथ जो है ना ये इसलिए शेयर करें। और दूसरा है जी ये डर्मा का, आपको स्क्रीन पर ना ये जो है वो दूसरा नज़र आ रहा होगा लिखी हुई साइड नहीं ठीक से, तो मैं आपको बताती हूँ ये डर्मा शाइन की प्रोडक्ट है ये, ठीक है, हैंड एंड फुट जो ये क्रीम है वो कैमरे की वजह से आपको अपोजिट नज़र आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है बहुत इफ़ेक्टिव है ये और रीज़नेबल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ, मैं इसको ये हैंड एंड फुट क्रीम है लेकिन मैं इसको सिर्फ हाथ पर यूज़ कर रही हूँ, और मैंने ये पूरे 2 माह इस्तेमाल करने के बाद आपसे शेयर किया है, ये मैं असली रिव्यू बता सकूँ आपको। और ये देखें, ये इस तरह से ना आपकी ये रात को सोने से पहले आपने इसको मसाज करना है और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह करना है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ना ऐसे ऊपर नज़र आ रही वाइट वाइट, लेकिन ये साथ इसको जब आप लाइट लाइटली मसाज करते हैं तो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरह आप इसको हाथ और पैरों पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्यों पाँव पर इस्तेमाल नहीं करी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सेकेंड प्रोडक्ट है डर्मा शाइन की ही पैडी लोशन, मैंने पाँव के लिए ये वाली यूज़ कर रही हूँ, और वैसे तो ये आप हैंड एंड फुट दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये एक भी मंगवा लेते हैं ना तो इनफ है आपके हाथ पाँव के लिए, लेकिन अगर आप मैं इसको जैसे यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं इसका बैडी लोशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ रात को अच्छे से सोने से पहले अपने जो पाँव अच्छे से धोने के बाद इस लोशन के साथ पैरों का अच्छे से एड़ियाँ और फिंगर्स की टिप्स और अच्छे से सारा ऊपर नीचे पाँव के ऊपर और पाँव के निचले हिस्से में भी आप इसका अच्छे से मसाज करें और उसके बाद इसको छोड़ दें। इसका ये जो क्रीम है ना, बिलीव मी 2 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, और बहुत आसानी से ये 2-2.5 माह गुजर जाते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके वेस्टिंग ऑफ मनी बिल्कुल नहीं है, ये मेरे कहने पे आप चाहे ये प्रोडक्ट यूज़ करें आपको अच्छा सा मिलेगा, और या आप रेमिडी भी यूज़ करें तो आपको उसका भी जो है वो इफ़ेक्ट अच्छा मिलेगा जो आपको समझ में आता है। मेरे कहने पे प्लीज़ आई सजेस्ट यू आप 2 वीक्स में ही आपको दोनों होम रेमिडी, अगर आप कोकोनट ऑयल वाली यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको 2 हफ्तों में ही रिजल्ट मिल जाएगा, और 2 से 3 हफ्तों में आपको, अब ये डिपेंड भी करता है कि आपके हाथ पाँव की क्या कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक डिपेंड करता है। अगर तो आपकी मैं बहुत ज़्यादा जो है आपको यही पर्सनली कहूँगी कि आप अपने पाँव का जितना ज़्यादा ख्याल रखें, जो कि जब बहुत ज़्यादा हम अपनी चाहे वो स्किन है हाथ है या पाँव है केयर छोड़ देते हैं तो फिर हमें एक टाइम के बाद जाकर जब उसकी केयर करने का ख्याल आता है तो फिर प्रोडक्ट हो या रेमिडीज़ हो बहुत वक्त के बाद जाके उनके इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। तो टाइम पे इफेक्ट्स रहने के लिए हमें वक्त पर केयर स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा जी यही थी मेरी आज की वीडियो, और आई होप सो कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा अगर आप इसको फॉलो करें, चाहे वो होम रेमेडी हो या प्रोडक्ट्स का यूज़ हो आपको फ़ायदा मिले, और ये वीडियो अगर आपने इस वीडियो के मुताबिक कुछ कर लिया तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा ही होगा। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट गो विदाउट सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें ताकि इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे और आप देखे रहें और मैं वीडियोस बनाती रहूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।